एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और केसरी जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके संदीप नाहर का सुसाइड नोट और वीडियो सोशल मीडिया से गायब हो गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि नाहर का सुसाइड नोट और वीडियो उसने डिलीट नहीं किया। ऐसे में सवाल यह है कि सुसाइड नोट और वीडियो को सोशल मीडिया से आखिर किसने हटाया। संदीप ने सोमवार को सुसाइड किया था। इसके पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट और करीब 9 मिनट का एक वीडियो शेयर कर खुदकुशी की वजह बताई थी। संदीप के सोशल मीडिया अकाउंट को देखें तो पाते हैं कि सिर्फ उनका सुसाइड नोट या वीडियो ही डिलीट नहीं किया गया, बल्कि 14 महीने का डाटा भी हटा दिया गया। इनमें एक वह पोस्ट थी जो उन्होंने करवा चौथ पर पत्नी को बधाई देते हुए लिखी थी। दूसरी वो पोस्ट भी थी जो संदीप ने पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 के बाद की थी। अब उनके पेज पर आखिरी पोस्ट 16 दिसंबर 2019 की दिखाई दे रही है। अभिनेता संदीप नाहर ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसे उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जो कि अब फेसबुक से किसी ने डिलीट कर दिया है। लेकिन सनसनी ऑफ इंडिया के पास संदीप नाहर का सुसाइड से पहले का आखिरी वीडियो मौजूद है। आप भी सुनिए कैसे बताया अपना दर्द। हेलो नमस्कार, मैं हूँ संदीप नाहर। आप लोगों ने मुझे कई फिल्मों में देखा होगा, मैं धोनी का अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अंदर जिसमें छोटू भैया किरदार में आया था। और आज ये वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद ये है। वैसे तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट लाइफ स्मूथ नहीं चल रही। लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आज मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कंचन शर्मा, वो क्या रहा है, 1.5-2 साल से एक ट्रोमा से मैं निकल रहा हूँ और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ और उसको समझा के थक चुका हूँ काफ़ी चीज़ों को। वो एक ही पास्ट की बातें, एक ही बातें रिपीट करना, रोज़ लड़ना, 365 दिन में से मैं कह रहा हूँ 200 बार सुसाइड की बातें करना, मर जाऊँगी, तुझे फंसा दूँगी, तेरा करियर स्पॉइल कर दूँगी, तेरे खानदान को फंसा दूँगी। तो ये सुन सुन के मैं बहुत ही इरिटेट हो चुका हूँ। मैं उसको हर बार पॉइंट पर समझाता हूँ, पंचम देखो ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, इस चीज़ को समझो। वो मेरी फैमिली को गालियाँ देती है, मेरी माँ से इतनी नफरत करती है, मेरे हर परिवार वाले को। आजकल ऐसा टाइम आ गया कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता इसके सामने, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत 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 सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं अब ले नहीं पा रहा हूँ। दिमाग ने इतना स्ट्रेस इसने दे दिया है, काम को लेकर यहाँ बॉम्बे में स्ट्रेस होता है, हर चीज़ को लेकर होता है, बट काम का स्ट्रेस फिर भी झेला जा सकता है, बट ये औरत का स्ट्रेस है तो झेलना बहुत मुश्किल। इसलिए हुआ है कि ये काफ़ी ऐसी ऐसी बातें मुझे भूल देती है, ऐसी ऐसी बातें भूल देती है जिसका मेरी लाइफ में बिल्कुल भी कोई वैलिड पॉइंट नहीं। मैं बोल के थक चुका हूँ। ये मेरा नाम किसी से भी जोड़ देती है। मैं 2 साल से इसके साथ हूँ, 24 घंटे हम साथ में रहते हैं, उठना बैठना हर चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं शक का कोई इलाज नहीं होता। शक करती है हर चीज़ पे, लड़ती है, और इसका लड़ना नॉर्मल लड़ता नहीं है। जैसे साइको होते हैं, मतलब एक होता है शराबी इंसान जो दारू पीता है और लड़ता है, लेकिन जब उसकी दारू उतर जाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है ना, नॉर्मली ऐसा होता है। उसको गिल्टी फील भी होती है, उसको अपनी गलतियों का एहसास भी होता है, बट इसके केस में ऐसा है, अगर ये लड़ती है, इसको कोई बात बुरी लगती है तो वो उसके दिमाग में बैठ जाती है, बैठ इतने गंदे तरीके से जाती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये कितनी रातें खराब कर देती है। इवन अभी जैन की बात है, जैन में ये घर से भाग गई थी, मैं रात को उसको ढूंढने गया था, ये ऐसे काम करती है, और बहुत सारी बातें होती हैं, कब तक इसका वो करूँ। उसकी मम्मी बहुत साथ देती है। इसकी मम्मी का कहना है कि मैं तेरी ज़िंदगी दबा गई, हर तरह की केसेस बताती है, मैं ये केस हो जाएगा वो। एक्चुअली क्या है, इसकी मम्मी, इनके घर में 2 बहनों की भी लव मैरिज हुई है, तो इसकी मम्मी ने इनके दोनों जीजाओं को भी अंदर करवाया था। अभी वो मेरे को बोलती है हर बात पे, अपनी बेटी को बोलती है जाके पुलिस कंप्लेंट करो। किस बात बुनियाद पर फेक चीज़ों पर फेक झूठ बोल के आप केस बना सकते हो? ये क्या बातें हैं? औरत को एटलीस्ट दर्जा दिया गया है किसी चीज़ों का, तो उसका मिसयूज़ क्यों करते हो? और ये सब बातें कहाँ से आती हैं? आप रिश्ते बनाने चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? रिश्ता बनाने के लिए आपको ये सब बातें नहीं लानी चाहिए ज़िंदगी में, अगर रिश्ता आपको अच्छा रखना। आप इसकी मम्मी ऐसी ऐसी बातें करती है, और ये कंचन भी यही बातें करती है। इवन इसका एक किस्सा हुआ था 2015-16 में, इसका जो एक्स था, जिसके साथ ये 6 साल रही है, मैं इसको किस तरह से इसके कल उस पर इसके ऊपर लंचन नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसी थी वैसी, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि इसने अपने एक्स को भी झूठे केसों में अंदर करवाया। 3-4 महीने वो बेचारा अंदर रह गया, दीपा ज्योतिष का नाम था। तो ये सेम पॉइंट मेरे साथ कर रही है,
और इसी जिद की वजह से इसने मुझसे शादी की थी उस टाइम पे कि मैं ये कर दूंगी वो, मैंने तरस करके इस पर शादी की। तरस मतलब चलो यार मुझे लगा सर कोई नहीं है, कर लेता हूँ आज नहीं, इसका इसका इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, भूल भी थी मुझे मर जाऊंगी, पंखे में लटने की आज तक सुसाइड की बातें करती है। तो उस पॉइंट पे मैंने कर ली, फिर ये मेरे घर आई, ये 2019 की बात मैं बोल रहा हूँ, और उस टाइम पे हमारी बात हुई थी कि यार कि शादी हम कर रहे हैं बट घर में नहीं बताएंगे, अगर जमी तो चलाएंगे, नहीं जमी तो फिर अलग हो जाएंगे, है ना, किसी को इतना डिस्क्लोज नहीं करते। फिर हम वो हमारी नहीं बनी आपस में, तो फिर मैं कोरोना की वजह से घर गया था। जब कोरोना की वजह से मैं घर गया था तो उस टाइम पर इस लड़की ने मेरे घर पे आने की बात की, तो इसको उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिया था, तो मेरे घर वालों ने अच्छे से उसका वेलकम किया। घर पे आते ही ये वहाँ 5-6 बार क्लेश कर चुकी थी। घर आई 18 जून को आई थी, और इसमें 5 दिन बाद ही, चूंकि उस टाइम कोरोना काल था तो गवर्नमेंट ने भी बोला था कि आपके घर में अगर कोई बाहर से आता है बॉम्बे से तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, SHO ने बोला था। तो हमने उस चीज़ को छुपाया था थोड़ा, भाई नहीं बताएंगे नहीं तो फिर पूरी फैमिली अंदर हो जाएगी, इतनी एक छोटी सी बात थी, बट इसको वो बात समझ में नहीं आई। मेरी भाभी ने बोला मेरी कजन सिस्टर है, है ना, तो इस बात पर भड़क गई तेरी भाभी ने, एक बोला कि मेरी कजन। अरे भाई सिंपल सी बात है, कोरोना का टाइम है, ये तुम्हारी हमारी आपस की बात है, लोगों को पता लगा तो मुंबई से आई है, वह छोटे छोटे बच्चे हैं सबको अंदर कर देंगे। उस टाइम तो वैसे भी हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल थे वो कोरोना के चक्कर में उन्होंने कोविड का हॉस्पिटल बनाया हुआ था और सबको वहाँ पे क्वारंटीन कर रहे थे उस टाइम पर। तो उसके बाद कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हुई, जैसे कि हमारे घर में किन्नर आए, किन्नर बधाई लेने आए, तब ये लड़ी, चूँकि हमने उनको भेज दिया था, भेजने का एक कारण था, कारण ये था कि अगर हम किन्नरों को बधाई दे देते तो हमारे रिश्तेदार नाराज होते हो जाते, उनको लगता कि इनके घर में बहू आई, इन्होंने हमें नहीं बताया। मैंने कंचन को उस टाइम हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी फिक्स हो गई थी 30 जुलाई को, तो हमने बोला कि आप 30 जुलाई के बाद आना, हम आपका वही जो बनता है वो देंगे। वो दिया भी, बट उस बात पर भी इसने क्लेश किया, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी बातों पर क्लेश। ये बोलती मुझे घुमाने नहीं लेके जाते, अबे भाई कोरोना में बॉर्डर सील हुए गए, हिमाचल बॉर्डर सील है, पंजाब बॉर्डर सील है, कैसे लेके जा सकते, ये बात इसको समझ में नहीं आ रही। ये बोलती जिनकी शादी होती है उनके पति उनको घुमाने लेने जाते, लेकर जाते हैं। मैंने बोला भाई जिनकी शादी होती है उनके पति बेशक उनको घुमाने लेकर जाते हैं, बट उस टाइम पे कोरोना नहीं था, अभी कोरोना है, अभी थोड़ा सब्र कर लो, बाद में चल लेंगे। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही। तो हम आ गए शॉर्टकट में बॉम्बे, क्योंकि वहाँ पे बड़े सुसाइड वाली बातें कर रही थी, मेरे घर वाले भी डर गए थे, उनको लगा कहीं ये लड़की की वजह से फैमिली पे कोई आफत उफर ना आ चुकी है, कोई हंसा। तो मैं उसको बॉम्बे ले आया था, बॉम्बे में आके भी इसका सेम वही ड्रामा, सर्टिफिकेट शादी का मिल गया फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, एक सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, मिल नहीं रही है, और हर जगह से मुझे टॉर्चर कर रही है। बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर मैं कोई गलत स्टेप उठाता हूँ लाइफ में क्या मेरे आपके मेंटल पीस पर सही नहीं रहा, क्योंकि मैं रोज़ झगड़े नहीं ले सकता, सुबह उठो झगड़ा सेम बात पे, जिस पर 1000 बार पहले बात हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, उस पर फिर अगेन सुबह उठो, दोपहर को झगड़ा, रात को झगड़ के सो, तो मैं मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं, मेरी एनर्जी लेवल इतना नहीं है कि मैं बार बार हर चीज़ों को क्लियर करता हूँ। इसको एक बार बोल के टेंशन ऐसा नहीं है, ऐसा बात खत्म हो जाती है। अभी कल रात की बात है, इसने इंस्टाग्राम पर सर्च किया, अब सर्च में कोई किसी का कोई चीज़ दिख जाती है तो उसमें मेरी क्या गलती है, किसी ने मुझे नहीं ब्लॉक किया था, भाई जब ब्लॉक नहीं किया है तो उसे मेरी गलती नहीं हो सकती है, तुम मुझे बोलो तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम ब्लॉक कर दो, मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैंने ऑन द स्पॉट बिना सोचे ब्लॉक किया है। और ये कोई छोटी छोटी बात है, हम स्कूल के बच्चों वाली, मैं इसको बोलता हूँ कंचन स्कूल के बच्चे भी ऐसे नहीं लड़ते होंगे जैसे तुम मेरे साथ कर रही हो, तो ये कोई वैलिड प्रूफ नहीं, वैलिड बात नहीं है, आप वो बात बोलो। हाँ अगर तुम मुझे बोलते इसको ब्लॉक करो और मैं नहीं करता तब तुम लड़ने का मकसद बनाते हो। मैंने बोला कंचन अपना इंस्टाग्राम दिखाओ, अपना व्हाट्सअप दिखाओ, तुम्हारा एक्स का भी तो इसमें है ना फोटो, ये उसने तुझे ब्लॉक भी किया व्हाट्सएप पे, सिंपल सी बात है। कह रही मेरी उससे बात नहीं होती तुम्हें पता, तो मैंने बोला सेम यही चीज मैं कंचन तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरी भी कोई बात नहीं होती। हाँ मेरे क्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूले।